अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेल्थ विद हर्ब्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सौंफ के वो हैरत अंगेज फवायद बताएंगे जो शायद आपको मालूम नहीं। हर घर में सौंफ ज़रूर रखनी चाहिए, यह बच्चों के कई अमराज में मुफीद है। दूध में सौंफ पका कर बच्चों को पिलाने से पेट में ना दर्द होता है ना गैस बनती है। आजकल छोटे बच्चों की नज़र बहुत कमज़ोर हो रही है, इसके लिए थोड़ी सी सौंफ बच्चों की जेब में डाल दें, वो चलते फिरते खा लेंगे। इससे निगाह कमज़ोर भी दूर हो जाएगी और मैदे को भी ताकत मिलेगी। सुबह चाय का चम्मच भरकर सौंफ खाने से बेनाई तेज़ होती है। पुराने नज़ले के लिए अमूमन ख़वातीन रात को सोते वक्त एक बड़ा चम्मच सौंफ और 11 बादाम खिलाती हैं, इससे नज़ला दूर हो जाता है और दिमाग में तरी आती है। इसके फौरन बाद चाय, दूध या पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोगों का हाजमा ख़राब रहता है और असहाल की तकलीफ़ से निडाल होते हैं, जहां कुछ खाया पेट में दर्द हो गया, उन्हें चाहिए कि सौंफ में थोड़ी सी चीनी मिला लें और सुबह शाम एक छोटा चम्मच खाएँ, इससे हाजमा ठीक रहता है। जर्मनी में छोटे बच्चों को अक्सर औकात दवाई नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें सौंफ का पानी पिलाया जाता है। सौंफ बाज़ार में आम दस्तयाब है। सौंफ का पानी उबालकर पिलाने से बच्चे कई तकलीफ़ों से निजात पा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी सौंफ मौजूद नहीं है तो आज ही सौंफ को घर में लेके आएँ और इसके वायद से इस्तेफादा हासिल करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल हेल्थ विद हर्ब्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।